आप सभी को प्रणाम। आलोक है मेरा नाम और आप तक अच्छी जानकारी पहुंचाना है मेरा काम। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि रोड रोलर को ड्राइव करने के लिए क्या लाइसेंस चाहिए, अगर चाहिए तो कौन सा चाहिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में ये वीडियो दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट मिले दोस्तों, और आप में से कई भाइयों ने वहाँ पर पूछा कमेंट करके कि हमें बताएँ कि रोड रोलर को चलाने के लिए कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जाता है। तो मेरी वहाँ पे उन सभी लोगों तक ये वीडियो जानी चाहिए दोस्तों, जो वहाँ पे जानना चाहते हैं कि रोड रोलर वहाँ पे चलाने के लिए कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको वहाँ पे सीधा तौर पर आज के इस वीडियो में बता दूंगा दोस्तों कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए रोड रोलर को चलाने के लिए। रोड रोलर दोस्तों बेसिकली वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों, वहाँ पे जो रोड का वहाँ पे बनाई जाती है उसको दोस्तों वहाँ पे रोल करने के लिए रोड रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हो अगर रोड रोलर क्या होता है, तो उसके मैं वहाँ पे आपको फोटो दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज़ को रोड रोलर बोलते हैं। तो रोड रोलर दोस्तों वहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि वहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट जो है वहाँ पे MV एक्ट, उसमें दोस्तों साफ साफ है लिखा हुआ है कि वहाँ पे जो रोड रोलर होता है ये दोस्तों कोई वहाँ पे व्हीकल्स नहीं है, यानी कि मोटर व्हीकल में इसकी वहाँ पे कोई गणना नहीं की गई है। ये दोस्तों कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट माना गया है दोस्तों, आपको बताऊं तो ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट माना गया है, यानी कि दोस्तों निर्माण करने के लिए रोड का यहाँ पे जो भी वहाँ पे इक्विपमेंट लगते हैं वो दोस्तों कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इसको माना गया है, उसके अंतर्गत ही आता है। और इसको चलाने के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सेप्ट फ्रॉम ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि ये दोस्तों आपको चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा मोटर व्हीकल एक्ट में दोस्तों लिखा हुआ है। मैंने खुद ऑफिशियल से बात की दोस्तों, तब मैं आपको बता रहा हूँ, जानकारी पुख्ता है कि रोड रोलर को ड्राइव करने के लिए आपको वहाँ पे कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। रोड रोलर इज एक्सपेक्ट फ्रॉम ड्राइविंग लाइसेंस, ये रोड रोलर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस से छूट है, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर आप कोई भी आपसे बोले कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि रोड रोलर को चलाने के लिए कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दोस्तों मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ, ये दोस्तों हाईलाइट हुआ क्यों, हाईलाइट ये इस तरीके से हुआ कि वहाँ पे गोवा में दोस्तों वहाँ पे एक रोड कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा था, तो वहाँ पे फॉरेन विजिटर आने वाले थे, तो उसको ध्यान में रखकर दोस्तों रोड का कंस्ट्रक्शन जो था वो बहुत तेज़ी से हो रहा था। तो वहाँ पे जो रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसके साथ साथ रोड को वहाँ पे रोल किया जा रहा था, उसका यूज करके जो रोड रोलर चलता है, तो उसको यूज करते टाइम दोस्तों साइड में वो एक एक्सीडेंट हो गया उससे, और एक वहाँ पे महिला और उसका एक बच्चा वहाँ पे बुरी तरीके से जख्मी हो गया। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने दोस्तों जो वहाँ पे निकट के लोग थे, ग्रामीण थे वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे आए और वहाँ पे उस जो रोड रोलर चला रहा था उसको काफ़ी ज़्यादा उसके साथ मारपीट की और उसको वहाँ पे ले जाके पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। उसके साथ उसका वहाँ पे पुलिस वाले ने दोस्तों उसके खिलाफ काफ़ी सारे केसेस वगैरह दर्ज किए। तो जब उसमें दोस्तों जांच होने लगी तो उसके ऊपर एक वहाँ पे पुलिस वालों ने ड्राइविंग लाइसेंस का भी केस बनाया कि इलीगल ड्राइविंग लाइसेंस या इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं, तब दोस्तों ये हाईलाइटेड हुआ और खुद मोटर व्हीकल एक्ट वहाँ पे जब देखा गया, उसको पढ़ा गया, तो उसमें ये प्रिस्क्राइब है ही नहीं कि रोड रोलर को चलाने के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से दोस्तों वहाँ पे वो आदमी बच गया, क्योंकि दोस्तों रोड रोलर को चलाने के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस अधिकृत हुआ ही नहीं है। तो ये आप समझ सकते हो, अगर आपसे कोई बोल रहा है तो आप उनको बता सकते हो कि ये जो व्हीकल होती है रोड रोलर, इसको चलाने के लिए कोई ये लाइसेंस नहीं होता, क्योंकि ये दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आती ही नहीं। मोटर व्हीकल यानी कोई मोटर या व्हीकल सही नहीं, कोई वाहन इसको माना ही नहीं गया है, इसलिए इसका कोई लाइसेंस नहीं बनता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी ज़रूर आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर सभी लोगों तक करिएगा, क्योंकि सभी लोगों को पता होना चाहिए कि रोड रोलर को चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए भी कि नहीं चाहिए, ज़रूर सबको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑन करके रखो, क्योंकि मैं फ्यूचर में जो नई वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले मिल जाया करें। मैं मिलता हूँ अब नई वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।